गुड मॉर्निंग ऑल। ये अजर्शन रीजन के क्वेश्चंस हैं जो यूजीसी नेट पेपर 2016 का मैं करा रही थी, तो हम इसको करना शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें जो है अजर्शन क्या दिया है, इसमें दिस इज, सॉरी इसको मैं लिख देती हूँ, दिस इज अजर्शन एंड दिस इज रीजन। ओके, अजर्शन को मैं यहाँ पे, आज मैं अजर्शन लिख देती हूँ, यहाँ रीजन लिख देती हूँ, आर फॉर रीजन, ए फॉर अजर्शन। तो इसका जो पहला इसमें अजर्शन दिया है, इन वेरेक्टर डायोड बैरियर कैपेसिटेंस इज नॉट कॉन्स्टेंट बट इट वेरीज विद द अप्लाइड वोल्टेज। बिकॉज रीजन क्या है, हायर द रिवर्स वोल्टेज हायर द स्पेस चार्ज विड्थ एंड देयरफॉर लोअर इज द बैरियर कैपेसिटेंस। अब मुझे आप ये बताना कि, ये मैं आपको वैसे बता चुकी हूँ कि इज दिस द अजर्शन ट्रू और नॉट, जिसमें ठीक है क्या दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, या वैसे मैंने आपको करवाया था तो ये मैं छोड़ देती हूँ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इन अ नेटवर्क ट्री नंबर ऑफ ब्रांचेस आर ऑलवेज वन लेस देन द नंबर ऑफ नोड्स इन ट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ नेटवर्क ट्री। देखिए नोड्स तो पता ही है, ये नोड्स हैं, ठीक है, यहाँ से खूब सारी ब्रांचेस निकलती हैं। तो किसी भी नेटवर्क में जो नंबर ऑफ ब्रांचेस होंगी, मतलब मैं चलिए एन बी कर देती हूँ, ये ऑलवेज वन लेस होती है देन द नंबर ऑफ नोड्स इन ट्री। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। रीजन क्या है, बिकॉज अ ट्री ऑफ ए कनेक्टेड ग्राफ इज अ सर्किटलेस सब ग्राफ ऑफ एन नोड्स एंड एन माइनस वन ब्रांचेस। दिस इज एब्सोल्युटली राइट रीजन। तो यानी कि आर इज द, जब मैं डबल टिक मारूं तो इसका मतलब होता है आर इज ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन। यानी कि बोथ, जब करेक्ट दोनों डबल टिक मारूं तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू। जब करेक्ट ट्रू का मतलब ये है कि आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। नेक्स्ट है, I naught is equal to KTM e to the power V by eta VT. अब यहाँ पे देखिए, ये assertion है और reason experimentally reverse saturation current increases approximately 7% degree Celsius for both silicon and germanium. देखिए germanium के लिए जो ये eta है, this is 2 and M is equal to 1.5. और silicon के लिए आपको पता है जो eta होता है, this is equal to 1 and M is equal to 2. क्योंकि जो I नॉट है आपका, रिवर्स सैचुरेशन करंट है, एक्चुअली डज नॉट डिपेंड अपॉन दी थर्मल वोल्टेज। VT क्या है, थर्मल वोल्टेज है, KT by Q है, ठीक है। तो यानी कि जो I नॉट है इट डिपेंड्स अपॉन दी टेम्परेचर, ठीक है। और एक एक्सप्रेशन और है कि I नॉट T2 इज इक्वल टू I नॉट T1, ठीक है, इंटू 2 टू द पावर T2 माइनस T1, ओके, बाय टू, ठीक है। तो ये जो है, ये इसका एक्सप्लेनेशन यही है, ये इसका करेक्ट रिलेशन है। आई नॉट टी टू इज इक्वल टू आई नॉट टी वन इंटू टू टू दी पावर टी टू माइनस टी वन बाई टी टू। तो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है आपको, ये फॉल्स है, ठीक है, और रीजन सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, रिजोल्यूशन एंड एक्यूरेसी आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, डीएसी मतलब डैक। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, ये दो ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो किसी भी डैक के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं। रीजन क्या है, बिकॉज रिजोल्यूशन डिफाइंस द लार्जेस्ट इंक्रीमेंट इन वोल्टेज दैट कैन बी डिसर्न्ड, वेयर एज एक्यूरेसी इज मेजर ऑफ हाउ फार द एक्चुअल आउटपुट वोल्टेज इज अवे फ्रॉम थियोरिटिकल आउटपुट। तो क्या ये सही है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, दिस इज फॉल्स। रिजोल्यूशन तो वैसे स्मॉलेस्ट चेंज होता है, ओके, लार्जेस्ट इंक्रीमेंट तो नहीं बोलते हैं। तो रिजोल्यूशन, ये इसका जो रीजन है, ये रॉन्ग है एंड अजर्शन ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन इंटेल 8085 लोअर बाइट ऑफ एड्रेस एंड डेटा आर मल्टीप्लेक्स्ड। बिल्कुल ट्रू है। रीजन क्या है, सिंस, यहाँ पे लिख दीजिए सिंस और बिकॉज, दिस हेल्प्स टू लिमिट द नंबर ऑफ एक्सटर्नल पिन टर्मिनल्स। बिल्कुल ट्रू है, दिस इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अजर्शन। क्योंकि देखिए जो 8085 होता है माइक्रोप्रोसेसर, इसमें 16 बिट जो होती हैं एड्रेस लाइंस होती हैं, 16 बिट एड्रेस लाइंस होती हैं, कॉमन 8 एड्रेस लाइंस होती हैं, ठीक है, जिसमें जो कॉमन एड्रेस लाइंस होती हैं आपकी, कॉमन एड्रेस लाइंस आपकी 8 होती हैं। जस्ट चेक करिए, लोअर 8 बिट्स जो होते हैं वो मल्टीप्लेक्स्ड होते हैं। बाइट मतलब 8 बिट्स, तो लोअर 8 बिट्स को ही तो मल्टीप्लेक्स करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ALE है, एड्रेस लैच इनेबल सिग्नल होता है, तो इसमें एक AD होता है और एक डेटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे AD 1 और ये 0, इसे आपने पढ़ा होगा, अभी हम इसी की बात कर रहे हैं, तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है।
नेक्स्ट है, इफ वैल्यू ऑफ एन एक्चुअल आर्ग्यूमेंट शुड नॉट गेट चेंज इन फंक्शन बीइंग कॉल्ड पास द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट बाय वैल्यू। देखिए ये सी का क्वेश्चन है, इफ वैल्यू ऑफ एन एक्चुअल आर्ग्यूमेंट शुड नॉट गेट चेंज इन फंक्शन बीइंग कॉल्ड, जो आप किसी फंक्शन को जो कॉल कर रहे हो अगर उसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर पा रहे हो, इट शुड नॉट गेट चेंज इन फंक्शन बीइंग कॉल्ड, फंक्शन में जो कॉल कर रहे हो उसमें उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो इट पास द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट बाय वैल्यू, तो ये एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। रीजन क्या है, बिकॉज एड्रेस ऑफ एक्चुअल आर्ग्यूमेंट एंड डमी आर्ग्यूमेंट्स आर डिफरेंट, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन। नेक्स्ट है, व्हेन बोथ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीनाज आर लोकेटेड एट सरफेस ऑफ अर्थ, देर इज अ ट्रांसमिशन थ्रू ग्राउंड रिफ्लेक्टेड वेव्स ओनली एंड देर इज नो सरफेस वेव, ये तो देखते ही फॉल्स है, क्योंकि मैं आपको आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स दैट इफ दिस इज द ग्राउंड सरफेस, दिस इज योर ट्रांसमिटिंग एंटीना, दिस इज योर रिसीविंग एंटीना, तो जो वेव्स जाएंगी इट विल बी द वेक्टर सम ऑफ द डायरेक्ट एंटी रिफ्लेक्टेड वेव्स, ओके, तो ये बिल्कुल फॉल्स है। रीजन क्या है, बिकॉज सिंस एंड व्हेन एंटीनाज आर एलिवेटेड स्पेस वेव कंपोनेंट इज जीरो एंड इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड देयरफॉर द रिजल्टेंट सिग्नल एट रिसीवर इज वेक्टर सम ऑफ स्पेस एंड सरफेस वेव्स, तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट, रीजन इज एब्सोल्युटली ट्रू बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि अजर्शन ही गलत है, ठीक है। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेड ऑफ बिटवीन ट्रांसमिटेड पावर एंड चैनल बैंडविड्थ इज यूज्ड इन डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक नेमली एएसके एफएसके पीएसके, तो ये बिल्कुल सही अजर्शन है क्योंकि हम ट्रेड ऑफ मतलब एक बिजनेस करते हैं एक तरह से, ट्रेड ऑफ मतलब इसके बदले ये, आपको पता है ना किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में व्हाट आर द टू कम्युनिकेशन रिसोर्सेज, ट्रांसमिटेड पावर होती है और चैनल बैंडविड्थ होती है, ठीक है, तो यहाँ पे देयर शुड बी लेस ट्रांसमिटेड पावर, पावर ट्रांसमिशन शुड बी लो एंड विद इन दैट पावर ट्रांसमिशन आपकी मोर बैंडविड्थ होनी चाहिए, मोर बैंडविड्थ होनी चाहिए, ओके, तो ये एकदम ट्रू है। रीजन क्या है, सिंस द ट्रेड ऑफ इज टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रांसमिटेड पावर एंड चैनल बैंडविड्थ, क्योंकि हमें क्या करना है कि दोनों रिसोर्सेज का, ट्रांसमिटेड पावर और चैनल बैंडविड्थ का सही यूटिलाइज करना है इन ऑर्डर टू मीट द रिक्वायरमेंट्स, तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बोथ आर ट्रू, रीजन आर इज ट्रू एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, डबल टिक का मतलब इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैटेलाइट और स्टेशंस आर लोकेटेड इन नॉइज फ्री वैलीज एंड रेडियो टेलीस्कोप्स आर ऑलवेज लोकेटेड अवे फ्रॉम इंडस्ट्री, तो ये बिल्कुल हाँ, दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। रीजन क्या है, सिंस दिस मेक्स द ऑपरेशन ऑफ दीज सेटअप्स फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ नॉइज, ऐसा तो नहीं होता है, नॉइज इज ऑलवेज देयर, क्योंकि हमने देखा है सैटेलाइट स्पेस में जो हमारे ट्रांसपोंडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्टेशन से सिग्नल जो भेजा जाता है उसको रिसीव करते हैं, उसको वहाँ पे रिपीटर्स भी, ट्रांसपोंडर्स भी तो वही करते हैं ना, उसको रिसीव करने के बाद उसको रीजनरेट करते हैं फिर रीट्रांसमिट करते हैं, कोई भी उसमें डिस्टॉर्शन हो या कोई भी उसमें ऐसा स्प्यूरियस इफेक्ट हो, नॉइज उसको ओवरकम करके रीजनरेट करते हैं, तो ये वहाँ पे तो वैसे ही होता है ट्रांसपोंडर, लेकिन जो इसने बोला कि इंडस्ट्री से दूर क्यों हम बेचते हैं, क्योंकि दिस मेक्स द ऑपरेशन फ्री फ्रॉम, नहीं ये गलत स्टेटमेंट है, हमें सेटेलाइट को लॉन्च करने के लिए एक बड़ी स्पेस तो चाहिए ना, एक अवे फ्रॉम इंडस्ट्री तो चाहिए ना, है ना, तो इसीलिए आपने तो देखा होगा ना कि जब भी हम कोई सेटेलाइट लॉन्च करते हैं तो हम कहाँ करते हैं, जैसे किसी बहुत बड़े जनरली साउथ में के थ्रू, साउथ में ही करते हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा समंदर के पास करते हैं या कहीं जाके करते हैं, लेकिन काफ़ी बड़ा एरिया होता है, बट इसलिए नहीं करते कि इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ नॉइज, ये एक हम रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते उसमें, क्योंकि वहाँ तो जाके सिग्नल को हमें वैसे ही रीट्रांसमिट करना होता है आफ्टर रीजनरेटिंग, ठीक है, उसको दोबारा से रीजनरेट करना होता है, ठीक है। बाकी तो मैं ये क्वेश्चंस आपको करा ही चुकी थी, तो ये मेरा यूजीसी नेट 2016 का पेपर पूरा हुआ। एक चीज और है, जो ये आपका प्लेन वेव का प्रोपिगेशन कॉन्स्टेंट होता है, पी डब्ल्यू मतलब प्लेन वेव, ठीक है, दिस इज योर प्रोपिगेशन कॉन्स्टेंट फॉर अ पुअर कंडक्टर, फॉर अ पुअर कंडक्टर, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है अंडर रूट जे ओमेगा म्यू एंड सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन, ये इसका एक्सप्लेनेशन, ये इसका एक वो दिया है स्टेटमेंट, ठीक है। तो टिल देन इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मैं देखिए कंटिन्यूस पढ़ा ही रही हूँ, भले मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े या ना बढ़े इट्स ओके, कोई बात नहीं, पर आप लोग मेरे से जुड़े हुए हैं इसीलिए मैं आप लोगों के लिए, फॉर दोज 427 सब्सक्राइबर्स आई एम एबल टू टीच, थैंक यू थैंक यू।